जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम लोहरसी में 20 एकड़ जमीन पर फलदार वृक्षारोपण की खबर आपने देखी या सुनी होगी। यहां 19 जून को सीएम भूपेश बघेल के हाथों जांजगीर चांपा के महान अधिकारियों और सरपंच कविता तिवारी, मुख्यमंत्री के हाथों 20 एकड़ में फलदार वृक्षारोपण की झूठी कहानी बनाकर सीएम से वर्चुअल लोकार्पण करा लिया था, लेकिन ग्राम पंचायत लोहरसी में कहीं भी वृक्षारोपण नहीं हुआ था, जिसकी खबर हमने आपको बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा कर देने वाला बयान पामगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष राजकुमार पटेल का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर लोहरसी में हुए वृक्षारोपण की सही कहानी मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ग्राम लोहरसी में 5 एकड़ में फलदार वृक्षारोपण की जानकारी और कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला था। उस दिन जिले के प्रशासनिक अमला भी मौजूद थे। उस दिन के बाद 5 एकड़ में ही फलदार वृक्षारोपण की तैयारी की गई थी और प्रस्ताव भी 5 एकड़ का ही था। अब जो बात सरपंच कविता तिवारी ने सीएम वर्चुअल कार्यक्रम में 20 एकड़ में फलदार वृक्षारोपण की बात कही है, वह पूरी तरह से गलत और निराधार है। और वृक्षारोपण जहां किया जाना था उस जगह का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। किस प्रकार से देखते हैं इस मामले को? वहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहां पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर 5 एकड़ में वृक्षारोपण लगाने की प्रावधान में कहकर हम लोगों को बताया गया था, जिसमें फॉरेस्ट विभाग के भी कर्मचारी, जिला पंचायत के भी कर्मचारी एवं जनपद पंचायत के पूरे सारे अमला वहाँ पर मौजूद थे। और उन सब के बीच में उस दिन उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने का कार्य योजना बनाया गया था और इस हिसाब से उस दिन हम लोग उद्घाटन किए। वहाँ पर 20 एकड़ वाली किसी भी प्रकार की स्वीकृति जनपद पंचायत पामगढ़ की ओर से नहीं हुई है, न आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है कि वहाँ पर 20 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाने हैं। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, वहाँ पर 20 एकड़ में वृक्षारोपण नहीं किया गया है, न ही किसी भी प्रकार की वहाँ पर कार्रवाई की गई है, न किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप किया गया है जिससे 20 एकड़ जमीन पर या 20 एकड़ क्षेत्रफल पर वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए। यह 20 एकड़ की बात है, यह सरासर गलत है, यह निराधार है। और सरपंच, वन विभाग के अधिकारियों ने सीएम को अंधकार में रखकर वर्चुअल फर्जी लोकार्पण करा लिया। इस बात को स्वयं वन विभाग के DFO साहब कबूल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन कर ग्राम पंचायत लोहसी में ग्राम पंचायत के द्वारा 20 एकड़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जा रहा है और सरपंच महोदय द्वारा कुछ मिस्टेक द्वारा हो गया बोल दिया गया था, पर यहाँ पर काम अभी चल रहा है, कुछ ही दिनों में वृक्षारोपण कार्य समाप्त हो जाएगा। सरपंच कविता तिवारी में सीएम के सामने झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में झूठी कहानी बना डाला और सीएम को सुना डाला। अब इस मामले में अधिकारी लीपापोती करने में जमकर लगे हुए हैं और ग्राम पंचायत लोहरसी में बिना प्रस्तावित जमीन पर हवा में वृक्षारोपण कर डाला। शायद वन विभाग के DFO साहब को भी यह मालूम नहीं कि वह जिस 20 एकड़ की बात कर रहे हैं वहां रिकॉर्ड प्रस्तावित ही नहीं है, तो साहब पौधा कहां लगाएंगे। झूठ बोलने की सारी हदों को पार कर गए जिले के महान अधिकारी और सरपंच कविता तिवारी ने। अब देखना होगा मामले में राज्य सरकार के विभाग पर बैठे मंत्री ऐसे लापरवाह अधिकारी और सरपंच नरेंद्र कविता तिवारी के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर पौधों की जड़ों में मिट्टी डालने से पहले मामले में मिट्टी डाल दिया जाएगा और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब एक भी नहीं है। मैं श्रीमती कविता नरेंद्र तिवारी ग्राम पंचायत भरसी के सरपंच हूँ। हमन 20 एकड़ जमीन में जो अतिक्रमण से बेजा कब्जा से ओला हटा के लड़ाई झगड़ा करके गांव में अतिक्रमण ल हटाए और 20 एकड़ में पूरा वृक्ष लगाए हैं, 5-5 एकड़ में, 5 एकड़ में मुनगा, 5 एकड़ में आम, 5 एकड़ में अमरूद और 5 एकड़ में कटहल, ऐसे करके 5-5 एकड़ में 5 प्रकार के पूरा वृक्ष लगाए हैं, जेकर फायदा हमला।